भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का गांव का कल्याण हो, इसके लिए जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर एक बार जयप्रकाश जी देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर पले बड़े भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ दुखी होकर के विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ गए। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश जी फिर एक बार मैदान में आ गए और जयप्रकाश जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई। जयप्रकाश जी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए षड्यंत्र होते थे। जयप्रकाश जी ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो हिंदुस्तान का गांव तुरंत जुड़ जाता है। जेपी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, भ्रष्टाचार खिलाफ का जंग, इमरजेंसी के खिलाफ का जंग, आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। मैं समझता हूँ ये देश के लिए उस हद में कुछ सकारात्मक परिणाम निकालने का ताकत जयप्रकाश नारायण जी में थी। वो प्रेरणा थी जो लोगों को इस प्रकार से तैयार करती।